उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो पॉवर्टी योजना शुरू की गई है और जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में कम से कम 25 निर्धनतम परिवार का सर्वे किया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी जो है समूह सखी बीसी सखी और समूह के पदाधिकारी पंचायत सहायक रोजगार सेवक को दी गई है। इनको एन्यूमरेटर के पद पर चयनित भी कर लिया गया है। जीरो पॉवर्टी योजना से संबंधित न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है और इस अपडेट को कई न्यूज़पेपर के द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। 25 अक्टूबर से निर्धनतम परिवार का सर्वे शुरू हो जाएगा और यह कार्य जो है समूह सखी बीसी सखी समूह के पदाधिकारी पंचायत सहायक रोजगार सेवक के माध्यम से ही किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं निर्धनतम परिवारों का चयन 25 से शुरू होगा, तो यानी 25 अक्टूबर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवार का सर्वे शुरू हो जाएगा और यह सर्वे का कार्य जो है समूह सखी बैंक सखी बीसी सखी समूह अध्यक्ष पंचायत सहायक रोजगार सेवक के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अभियान के तहत निर्धनतम परिवार के चयन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश को एक वर्ष में गरीबी मुक्त करने की घोषणा की थी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में खंड विकास अधिकारियों ने 57,000 ग्राम पंचायतों से लगभग 1.81 लाख गणनाकार एन्यूमरेटर का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया है। तो यानी एन्यूमरेटर गणनाकार का डाटा जो है वेबसाइट पर अपलोड हो गया है और इन्हीं के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धनतम परिवार का सर्वे किया जाएगा। सत्यापन के लिए लगभग 2.7 लाख लोगों के नाम अपलोड किए गए हैं। दोहराव को दूर करते हुए सभी को यूनिक आईडी उपलब्ध करा दी जाएगी, आईडी कार्ड भी दिया जाएगा और सभी वीडियो को सीएम हेल्पलाइन से मैप कर दिया गया है। एन्यूमरेटर निर्धनतम परिवारों का चयन कर उनकी सूचना 25 अक्टूबर से अपलोड करना शुरू करेंगे, यानी सर्वे का कार्य जो है 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को इस संबंध में कई निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व मुख्य सचिव ने प्रथम चरण के तहत 1 सप्ताह में ही गणनाकार एन्यूमरेटर के चयन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। पंचायत सहायक रोजगार सेवक समूह सखी व अन्य सामुदायिक कैडर व बीसी सखी को गणनाकार बनाया गया है। तो यानी गणनाकार एन्यूमरेटर जो है समूह सखी बीसी सखी बैंक सखी समूह के पदाधिकारी पंचायत सहायक रोजगार सेवक इन्हीं को बनाया गया है और इन्हीं के द्वारा निर्धनतम परिवार का सर्वे किया जाएगा। ये सब लोग अपने अपने ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवार का सर्वे करेंगे और उसकी सूचना जो है ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पर अपलोड भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो पॉवर्टी योजना शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से गरीबी को खत्म करना है और समूह सखी बैंक सखी बीसी सखी समूह के पदाधिकारी पंचायत सहायक रोजगार सेवक को एन्यूमरेटर के पद पर चयनित कर लिया गया है और इनको आदेश निर्देश दे दिया गया है कि 25 अक्टूबर से ये लोग अपने अपने ग्राम पंचायत में 10 से 25 निर्धनतम परिवार का सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद उनका सारा बायोडाटा ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और ये जो निर्धनतम परिवार हैं उत्तर प्रदेश सरकार उनको उनकी गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास करेगी और उनको सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करेगी। कन्वर्जेंस के माध्यम से जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन निर्धनतम परिवारों को दिया जाएगा ताकि निर्धनतम परिवार अपनी गरीबी से बाहर निकल सके और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन सके। योगी सरकार का लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश राज्य गरीबी से मुक्त हो सके। तो इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो पॉवर्टी योजना शुरू की गई है और यह सर्वे का कार्य जो है 25 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगा। सर्वे करके समूह सखी बैंक सखी बीसी सखी समूह पदाधिकारी पंचायत सहायक रोजगार सेवक को सारी जानकारी ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। तो दीदी समूह की दीदियों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली।
मिली है। अपने पंचायत स्तर पर रहकर इन्यूमरेटर यानी गणना कार्य के रूप में कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी समूह सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, समूह पदाधिकारी सभी दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जैसे बहुत सी दीदियों के मन में ये सवाल जरूर होगा, जब हम ये कार्य करेंगे, सर्वे का कार्य करेंगे, तो इसमें क्या सरकार की तरफ से हमको किसी भी प्रकार का कोई मानदेय वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं बताया जा रहा है। यह एक समाज सेवा है जो कि सरकार के आदेशानुसार आप समूह में कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं, आप हर एक चीज बारीकी से जान रही हैं, समझ रही हैं, तो यह अवसर आपको दिया गया है सर्वे का, तो आपको करना है। मानदेय से संबंधित अभी किसी भी प्रकार का कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, और मानदेय से संबंधित आगे चल करके जैसे ही कोई गाइडलाइन जारी की जाती है, कोई जानकारी निकल करके सामने आती है, तो वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो न्यूज पेपर में निर्धनतम परिवार यानी जीरो पॉवर्टी योजना से संबंधित ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है, तो वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हम आप सभी को बता रहे हैं। तो दीदी, यदि आप लोग इस प्रकार की नई से नई अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम अपने चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत के तुरंत मिल जाया करेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।